सुपा गांव की सड़क बहुत ज्यादा जर्जर अवस्था में है। सुपा ग्राम पंचायत में जब से सरपंच का चुनाव हुआ है, सुपा गांव की जो एकमात्र मुख्य सड़क है, गांव की सड़क बहुत ज्यादा जर्जर अवस्था में है। सड़क को बने हुए 10 से 15 साल हो गए, लेकिन प्रशासन पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रहा। ग्राम वासियों हंसराज चौधरी ने बताया कि हालत इतनी खस्ता है कि लोग निकल तक नहीं सकते, जिसने सरपंच एक बार भी देखना नहीं चाहता और गांव की तरफ कुछ भी काम नहीं करवा रहा। जिसने सत्यपाल जांगीर पंचायत समिति सदस्य ने बताया कि प्रशासन को और उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, ग्राम पंचायत सरपंच को अवगत कराया, जिला परिषद से पैसा भी आया है, लेकिन पता नहीं वो पैसा अब तक क्यों नहीं लगा है। हर बार बहाने बना लिए जाते हैं कि अगली बार बन जाएगी। जिला प्रमुख को सबको हमने बोल दिया, लेकिन ये ग्राम पंचायत सुनवाई की हालत है। आज 2 साल हो गए, आज तक ये कीचड़ में निकलते इतने परेशान हो रहे हैं सब लोग। और इधर देखो, ये आज तक 2 साल में इसके रोड के पैसे भी पास हो गए, लेकिन आज तक रोड का काम चालू नहीं हुआ अभी तक। और अभी तक ये देखो, ये हालत निकलने वाले सभी ग्रामवासी इतने परेशान है कि यहाँ कोई निकल नहीं सकता। और ये हालत बहुत इतनी खराब हो रखी है कि देखो, इतना कीचड़ भरा रखा है। ये तो अभी इस टाइम के बाद बारिश के दिनों में इतना पानी भर जाता है यहाँ पे निकलने वाला। इधर बस स्टैंड पे कोई आदमी जा नहीं सकता, ये मार्ग बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है बारिश के दिनों। धन्यवाद, और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। राम राम साहब, मेरे ग्राम पंचायत सुपा के गांव सुपा के अंदर जब से सरपंच साहब बने हैं, आज तक 2 साल हो गए। 2 साल के अंदर गांव जो हमारे नए गांव, उसकी सड़क की व्यवस्था बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रही है। बारिश के दिन में पानी भर जाता है। हमने इसमें सरपंच साहब, पंचायत समिति में प्रधान को, वीडियो को, जिला कलेक्टर को, एस डी एम को, सबको ज्ञापन दिया गाँव वालों ने, लेकिन पिछले लगभग 2 सालों से ये समस्या इनकी बनी है। हम लोग जाते हैं, शिकायतें करते हैं, और जिला परिषद तक हमने अपनी आवाज उठाई है। जिला परिषद से राशि स्वीकृत भी हो चुकी है, शायद 2 टुकड़ों में 5-5 लाख रुपए हुए हैं, लेकिन आज इसे तक भी 2 साल 2.5 साल निकलने के कार्यकाल निकलने के बावजूद भी वो पैसा अब तक सरकार काम चालू नहीं हुआ। अगर मेरी आवाज़ अगर ऊपर जिला परिषद तक पहुँचती है इस माध्यम से, तो आप उस आवाज़ को आगे तक पहुँचाए, और सुपा जो नया गाँव है उसका वो रोड चालू हो, क्योंकि अभी बारिश भी नहीं है तो रोड अभी बन जाएगा, तो काफ़ी समस्याएं कम हो जाएगी। जय हिंद।